ब्रेक परे स्वागत। कॉलेज पढ़ला बेलठू डाक्तर हेबार स्वप्न देखिथिले अनेक भारतर घरोई डाक्तरखाना रे पढ़ा खर्च कोटिए टंका उपरे हेबारु युक्रेन जाए पढ़ा निष्पत्ति नेले। अनेक आशा रे छात्र छात्री युक्रेन रे पाठ पढ़ुथिले एवं डाक्तरी पाठ भी पढ़िबार जो स्वप्न देखि जाइथिले सेमाने पाठ पढ़ुथिले। तबे युद्ध परे शह शह डाक्तरी छात्र बर्तमान देश को फेरिछंती। युद्ध परे पुणी युक्रेन फेरी अधा पाठ को पूरा करबा को आशा रखिथिले किंतु सात मास धरी चलीथिबा रूसिया युक्रेन युद्ध थमिबार ना नेउनी। यहस डाक्तरी छात्र छात्री भविष्य अंधार को ठेली हो जाए। एवं छात्र छात्री ऑनलाइन रे क्लास करुवा बेले प्राक्टिकाल करना एनएमसी नेशनल मेडिकल कमिशन नियम कोहल कर देश भितर गोटे समय सीट बढ़ाई एडमिशन सरकार व्यवस्था करूँ बोली मेडिकल छात्र छात्री दाबी करते कि भविष्य जेहेतु अंधकारमय हो जाए कारण युक्रेन फेरी डाक्तरी छात्र छात्री मानू भारतीय मेडिकल कॉलेज गुड़िक नाम लिखा को अनुमति दे संभव नुहे बोली केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को जणाई। सुप्रीम कोर्ट एक सत्यपाठ दाखल कर केंद्र सरकार कहते एने जातीय मेडिकल कमिशन आईन में कौन सी व्यवस्था नथिबारु एहा संभव नुहे। अधिक आलोचना करने सुशील पांडे अच्छा आम सहित आम प्रतिनिधि सुशील, जिस हिसाब से अभी जो राय आया है बोल सकते हैं केंद्र के तरफ से, और ये भी है कि यहाँ जो यूक्रेन में जो पढ़ाई कर रहे थे जो स्टूडेंट्स वो भारत में नहीं पढ़ सकते, इसको लेके क्या कुछ रिएक्शन आ रहा है? जी देखिए, साफ तौर से तमाम जो छात्र यूक्रेन में पढ़ रहे थे और जिस तरह से यूक्रेन के हालात युद्ध के बाद बदले उसके बाद तमाम छात्र भारत आए, हालांकि उनकी तरफ से जो याचिका दाखिल की गई है उन्होंने कहा है कि वो अपनी मेडिकल की जो पढ़ाई है वो भारत में रहकर पूरी करना चाहते हैं, लिहाजा भारत सरकार उनको पढ़ाई पूरी करने की इजाजत दे। लेकिन केंद्र सरकार ने फिलहाल तमाम छात्रों की दलील को मानने से मना कर दिया है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि भारत में मेडिकल के तमाम छात्रों के द्वारा मेडिकल की जो पढ़ाई है उसको पूरा करना संभव नहीं है, क्योंकि नीट के मामले में कई ऐसे छात्र हैं जिनका नंबर बेहद कम आता है और उसके बाद वो फिलहाल यूक्रेन या किसी और देश में अपना दाखिला करवाते हैं जहां पर पैसे कम हैं और वहां पर उनको डिग्री आसानी से मिल जाती है। लेकिन भारत में इस तरह की पढ़ाई को फिलहाल इजाजत नहीं दी जा सकती है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि इन छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए दूसरे देशों में इंटर्नशिप या दूसरे देशों में एडमिशन की प्रक्रिया को लेकर भारत सरकार के द्वारा कदम जरूर उठाया जा सकता है, लेकिन भारत में मेडिकल की पढ़ाई को जारी रखने की इजाजत फिलहाल कानूनन संभव नहीं है। और हालांकि इस पूरी दलील का मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा भी विरोध किया गया है, क्योंकि साफ तौर से ये ऐसे छात्र हैं यानी कि नीट में बहुत ऐसे छात्र हैं जिनका नंबर फिलहाल एडमिशन की प्रक्रिया से बेहद कम आया है, लिहाजा उनको इजाजत देने जो एक संभव प्रक्रिया है वो फिलहाल नहीं दी जा सकती है। बहरहाल अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा, ये देखना बेहद अहम होगा कि केंद्र सरकार के हलफनामे के बाद फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। लेकिन तमाम छात्रों की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई है उन्होंने कहा है कि जिस तरह यूक्रेन में युद्ध के बाद हालात बदले हैं ऐसे में उनका जो भविष्य है वो अधर में है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में भारत सरकार को आदेश जारी करे कि उनकी पढ़ाई या उनके भविष्य को सुनिश्चित किया जाए। अब आज की सुनवाई बेहद क्रूशियल होगी, देखना बेहद अहम भी होगा कि केंद्र सरकार के द्वारा जहां एक तरफ से कहा गया है कि तमाम छात्रों के कानूनन फिलहाल एडमिशन की प्रक्रिया संभव नहीं है, ऐसे में क्या सुप्रीम कोर्ट की राय आज आएगी और सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण है। सुशील, और एक भी बात है, क्योंकि अगर इन मेडिकल स्टूडेंट्स को दाखिला दिया जाएगा तो जो भारत के स्टूडेंट्स है उन लोगों के बीच में जो एक निराशा और उन लोगों के बीच में जो सवाल उठेंगे उसको कैसे थमा जाएगा? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं और शायद इसी प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल करके यूक्रेन के तमाम छात्रों के आगे की पढ़ाई के लिए भारत में फिलहाल किसी भी प्रकार से कोई इजाजत देने का विरोध किया गया है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि विदेश मंत्रालय इस दिशा में कुछ जरूरी कदम उठाने के लिए प्रयास कर रहा है, यानी कि जो और बाकी देश हैं वहां से प्रयास किया जा रहा है कि इन छात्रों को दाखिला संबंधित कुछ कदम उठाया जाए। लेकिन फिलहाल भारत में इन छात्रों की पढ़ाई को पूरा करने के लिए किसी भी प्रकार से अभी कोई इजाजत नहीं दी जा सकती है, लेकिन अब देखना बेहद अहम होगा कि केंद्र सरकार के इस हलफनामे के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ आदेश जारी करता है। और दूसरी तरफ अगर स्टूडेंट्स की बात किया जाए यूक्रेन से जो लौटे हैं उन लोगों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से तो बोल सकते हैं एक डिसीजन लिया जा चुका है।
जी देखिए केंद्र तमाम जो यूक्रेन से छात्र फिलहाल भारत आए हैं उनके सामने समस्या यही है कि वो अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई या जो भी मेडिकल कोर्सेज की पढ़ाई वो कर रहे हैं वो बीच में ही रह गया है, लिहाजा उनका जो साल है वो बर्बाद होगा और साथ ही साथ उनका भविष्य जो है वो अधर में है। लिहाजा इस पूरे मामले में वो सरकार से और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट से ये मांग कर रहे हैं कि सरकार इस दिशा में उनकी कोई मदद करे, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से जिस तरह हलफनामा दाखिल किया गया है और ये कहा गया है कि फिलहाल अभी इस जगह इस पोजीशन में एडमिशन संभव नहीं है, तो देखना बेहद अहम होगा कि सरकार इस पूरे संकट से तमाम छात्रों के लिए क्या कुछ नया रास्ता निकालती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से तमाम छात्रों को बहुत उम्मीद है, अब आज की जो सुनवाई होगी उस सुनवाई से ये तय होगा कि यूक्रेन से तमाम जो छात्र मेडिकल की जो पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए हैं और वो भारत आ गए हैं उनके भविष्य को लेकर क्या कुछ कदम उठाया जाता है। सुशील, अगर आज की जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के अगर स्टूडेंट्स के खिलाफ जाती है, जैसे केंद्र सरकार की तरफ से जो रखा गया पक्ष उसकी तरफ जाती है, तो ये तमाम छात्रों का क्या होगा फ्यूचर? जी देखिए फिलहाल इस पूरे मामले में अभी ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि इन छात्रों के भविष्य को लेकर सरकार क्या कुछ स्टैंड लेगी, लेकिन जिस तरह हलफनामा दाखिल किया गया है उस हलफनामे के बाद कहीं ना कहीं इन छात्रों के लिए एक बड़ा संकट उठ सकता है कहीं ना कहीं एडमिशन की प्रक्रिया को लेकर। लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से जो हलफनामा दाखिल किया गया है उस हलफनामे में ये भी कहा गया है कि विदेश मंत्रालय के द्वारा इस दिशा में कुछ सकारात्मक कदम उठाने के प्रयास किए जा रहे हैं, तो हो सकता है भविष्य में इस पूरे मामले को लेकर सरकार के द्वारा कोई सकारात्मक कदम उठाया जाए और तमाम जो छात्र फिलहाल अपने भविष्य का हवाला देकर सरकार से ये कह रहे हैं कि उनकी पढ़ाई पूरी करवाई जाए उस दिशा में कोई कदम उठाया जाए। तो आज की सुनवाई बहुत अहम है इसके खास देखते हुए। सुशील बहुत बहुत धन्यवाद अभी की आपके जानकारी के लिए।